दिवाली मनाने के लिए पूरा परिवार कार में सवार होकर जा रहा था, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसके चलते पूरा परिवार खत्म हो गया। मामला बस्ती के मुंडेरवा इलाके का है। बताया जा रहा है, जल निगम में एई के पद पर तैनात विनोद कुमार अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए लखनऊ से अपने गांव संत कवि नगर जा रहे थे। कार में उनकी पत्नी, माँ, बेटा और बेटी भी सवार थे। नेशनल हाईवे पर विनोद कुमार की गाड़ी दौड़ रही थी। पूरा परिवार काफी खुश था, लेकिन अचानक हाईवे पर दौड़ती गाड़ी खड़े कंटेनर में पीछे से घुस गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल विनोद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हैरानी की बात तो यह है कि कंटेनर में फंसी कार को निकालने के लिए क्रेन का सहारा तक लेना पड़ा। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज 23 अक्टूबर को जनपद बस्ती थाना मुंडेरवा चौकी खजौला में शाम को 7:30 बजे एक ब्रेजा कार जो लखनऊ से संत कवि नगर की तरफ जा रही थी, वो सड़क किनारे खड़े हुए एक कंटेनर में अचानक में से पीछे से घुस गई, जिसमें कार में सवार समस्त 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कंटेनर ड्राइवर की एक लापरवाही ने पूरे परिवार की जान ले ली, लेकिन इस हादसे का कसूरवार ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ RTO विभाग भी है, जो ऐसे कंटेनर ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है और ऐसे कंटेनर लोगों की जान ले रहे हैं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।